हे एवरी वन माई नेम स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स ब्रेन वेलकम कैसे हैं आप सब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी सुन रखी होगी लेकिन उसके बाद भी हमारे कोर्स में है तो हम फटाफट ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ लेते हैं जो कि ली गई है पंचतंत्र कलेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज द मंकी क्रोकोडाइल सो लेट्स बिगिन विद दिस सो बिफोर वी रीड वी A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. अब एक मंकी था जो एक पेड़ मतलब एक नदी के किनारे एक पेड़ पे रहता था और उस पेड़ में बहुत सारे फ्रूट्स लगते थे ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल गेव हिम डिलिशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ और उन्होंने किससे एक फ्रेंडशिप की सो जो मंकी थे उन्होंने फ्रेंडशिप किए क्रोकोडाइल से और वो रोज उसको अमेजिंग अमेजिंग फ्रूट्स देते थे दे मेट रेगुलरली एंड टॉग्ड तो हमेशा मिलते थे बहुत सारी बातें करते थे द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड मंकी होता था ट्री पे क्रोकोडाइल होते थे पानी में ग्राउंड पे अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमारी स्टोरी किसके बारे में है एक मंकी के बारे में और क्रोकोडाइल के बारे में और बड़ी इंटरेस्टिंग है सो वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट तो एक बार एक बैंक मतलब एक नदी के किनारे एक फ्रूट ट्री था जिसमें लेडन विद फ्रूट लेडन विद फ्रूट का मतलब क्या होता है मतलब भरा हुआ लदा हुआ फ्रूट से ही लिवड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ड्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिस्स चॉइस तो वो उसके ऊपर रहता था और बहुत खुश था वो और मतलब जितने मन करता था उतने फ्रूट्स खाता था टू हिज हार्ड्स कंटेंट का मतलब होता है टू हिज सेटिस्फैक्शन मन भर के फ्रूट्स खाता था द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली वो बहुत खुश था लेकिन वो बहुत लोनली था लोनली मतलब बहुत अकेला था एंड अ टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद और वो एक कम्पेनियन चाहता था जिसके साथ वो बात कर सके अपने फ्रूट्स जो है शेयर कर सके बट देर वॉज नो वन अराउंड लेकिन वहां कोई था ही नहीं नॉट इवन अनदर मंकी एक दूसरा मंकी भी नहीं था वो वहाँ अकेला रहता था टिल वन डे डेल अपियर साइड कब तक तक अकेला था जब तक एक दिन उसने रिवर साइड पे एक क्रोकोडाइल को देखा हल्लो दे रिवर यू लाइक टू ईट सम फ्रूट तो उसने बोला हे हाय। तुम क्या इस रिवर में रहते हो वुड यू लाइक टू ईट सम मतलब तुम कुछ फ्रूट्स खाना चाहोगे गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द पोलाइटली आई डेंट कम इन सर्च फूड

द क्रोकोडाइल फाउंड डेम डिलिशियस और क्रोकोडाइल को जब उसने फ्रूट्स खाए तो उसे कैसे लगे यमी डिलिशियस थैंक्स ही सेड मे आई हैव सम माई नेक्स्ट विजिट उसने बोला ओ वाह थैंक यू सो मच नेक्स्ट विजिट में जब मैं आऊंगा तब मुझे आप थोड़े से और दोगे क्या सर्टनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ तो उसने बोला सर्टनली मंकी ने क्या बोला ओह oh, अफकोर्स मैं दूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं दूंगा तुम्हारी वाइफ के लिए भी दूंगा सेट द मंकीू कम अगेन आई एम रा लोनली हेयर उसने क्या बोला आप वापस जरूर आना मैं यहां बहुत अकेला अकेला फील करता हूँ द्रोकडाइल विजिटेड द मंकी रेग्युलरली एंड एट द फ्रूट विच हिज होस्ट थ्रू डाउन अब जो क्रोकोडाइल था वो रोज रोज मंकी से मिलने के लिए जाता था और मस्त बहुत सारे फ्रूट्स खाता था जो कौन फेंकता था उसकी तरफ उसका होस्ट और उसका होस्ट कौन था होस्ट का मतलब होता है जैसे कि अगर मेरे घर में पार्टी है मैंने आप सबको इनवाइट किया है सो आई एम द होस्ट अगर आपके घर में पार्टी और आपने मुझे इनवाइट किया देन यू आर द होस्ट तो यहाँ पे वो एक तरीके से मंकी की जगह थी तो मंकी इज द होस्ट ओवर हियर ही टूक सम होम फॉर हिज वाइफ तो उसने खूब सारे फ्रूट्स खाए और कुछ वो अपनी वाइफ के लिए लेके गया मंकी एंड द क्रोकोडाइल वाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स अब मंकी और क्रोकोडाइल बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे दे टॉक एंड वर नेवर टाइर्ड ऑफ टॉकिंग दे टॉकड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स अबाउट दिलेजेस नियर बाइंडल्टी विलेजेस फेस्ड इन रेजिंग गुड गुड क्रॉप फॉर लैक ऑफ रेन अब वो बहुत सारी बातें करते थे हर टॉपिक में बात करते थे बर्ड्स के बारे में एनिमल्स के बारे में विलेज के बारे में कि कैसे उनको कितनी मुश्किल होती है जब पानी कम गिरता है बारिश कम होती है तो उनको क्रॉप्स को ग्रो करने में कितनी मुश्किल होती है डिफिकल्टीज़ इन रेजिंग रेजिंग का मतलब होता है उगाने में बढ़ाने में फॉर लैक ऑफ रेन लैक ऑफ मतलब एबसेंस ऑफ समथिंग जब कम होता है कोई चीज वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड

तो उनको मैनेज करते करते वो एकदम अनॉयड हो गई वो थक गई वो बहुत ज्यादा अनोयड हो गई मतलब वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड थी हैश्ड मतलब अभी अभी निकले थे She said, Who is this of yours? सो फॉन्ड ऑफ उसने बोला ये है कौन तुम्हारा दोस्त था जब वो वापस आ गए क्रोकोडाइल तो वो तो थी बीवी तो उसने क्या बोला कि ऐसा कौन सा फ्रेंड है जो तुम्हें बहुत पसंद है फॉन्ड ऑफ मतलब हु इज लाइक यू नो यू आर वेरी यू लाइक जिसको भी आप इतना लाइक करते हो

आई एम श्योर रिप्लाइड द वाइफ विथ ऑबियस सार्काज़म उसने बोला उसने बोला आ हाँ नाइस मंकी nice बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत नाइस nice मंकी होगा ऑब्वियस सरकाज़म ऑब्वियस का मतलब जो क्लियर clear है क्लियरली ऐसे सरकाजम दिख रहा था सकाज़म का मतलब क्या होता है जब आप कोई भी चीज़ जो है आप किसी को चिढ़ाने के लिए बोलते हो उसको मॉक कर रहे हो बहुत ही ऐसे हाँ भैया बड़ा नाइस मंकी तो उसको बोलते हैं सारकाज़म इफ यू आस्क मी दिस मंकी शड बी माई फूड उसने बोला तुम लाते हो मेरे लिए एप्पल्स ये, ये फ्रूट्स अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं चाहती हूँ कि मैं खाने में उस मंकी को खा लू आई वॉन्ट टू ईट हार्ट सो मच उसने बोला मुझे उसका हार्ट खाना है वर्स्ट थिंग टू से बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कितनी बेवकूफी भरी बात कर रही हो

उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फ्रेंड अपने फ्रेंड को सपोर्ट करे या अपनी वाइफ को सपोर्ट करे ही हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और अपने फ्रेंड को भी बहुत ज्यादा लाइक करता था फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ अब लेकिन थी तो वो वाइफ तो उसने फाइनली क्या डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ के साइड पर रहेगा शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल आखिरकार वो उसकी लाइफ पार्टनर थी आई नो इट्स अन टू बी ट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस उसने क्या सोचा मनी मन में कि यार मुझे पता है कि बी ट्रे इट्स अ सिन सिन का मतलब होता है बिग मिस्टेक ब्लैंडर पाप इन हिंदी तो ये बहुत बड़ा पाप है कि मैं अपने फ्रेंड को बी ट्रे करूँ बी ट्रे करूँ मतलब मैं उस पर उसको धोखा दूँ ओके okay, बी ट्रे करने का मतलब होता है ब्रेक फेथ मैं उसके ट्रस्ट को तोड़ दूँ बट आई हैव नो चॉइस लेकिन मेरे पास तो अब कोई चॉइस है नहीं

अच्छा क्रोकोडाइल ने बोला यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे तुम मेरे साथ आज घर चलो तो मंकी ने क्या बोला oh, उसने बोला हाँ मुझे कोई नहीं, हम चलते हैं बोला लेकिन मुझे स्विम करना तो नहीं आता लेकिन हाँ मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ सकता हूँ एंड दे और वो निकल पड़े क्रोकोडाइल के घर जाने के लिए इन द मिडिल ऑफ द वेयर द करेंट वॉज द स्ट्रोंगेस्ट अब एकदम जो पानी के बीच में जहाँ करंट बहुत ज्यादा था करेंट बहुत ज़्यादा था मतलब जहाँ उसका पानी का जो बहाव था वो बहुत ज्यादा था उसकी स्पीड जो थी वो बहुत ज्यादा थी द करोडाइल कोड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन क्रोकोडाइल को लगा अब यहाँ से तो ये भाग नहीं सकता और उसको बहुत बुरा भी लग रहा था तो उसने क्या किया वो अपना इंटेंशन मतलब किस मकसद से वो वहाँ पर आया है उसने फाइनली मंकी को बता दिया सॉरी my फ्रेंड ही सेड हेजिटेटिंगली तो उसने बहुत ही हेजिटेट करते हुए मतलब बहुत ही घबराते हुए क्या कहा कि आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो अंडर now. नाउ लेकिन अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा हेजिटेटिंग का मतलब अनविलिंग वो नहीं चाहता था ऐसा करना लेकिन उसे करना पड़ रहा था तो उसने बोला सॉरी माई फ्रेंड लेकिन अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा आई हैव ब्रॉट यू ह्योर टू किल यू और मैं तुमको यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए लेके आया हूँ माय वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट और मेरी वाइफ जो है वो रही नहीं पा रही उसको तुम्हारा दिल खाना है गुड बाय सो सर्वाइव मतलब वो जी नहीं पा रही है उसको तुम्हारा दिल खाना उसने एकदम जिद पकड़ लिए तो अब अगर वो पानी के अंदर गया तो क्या होगा मंकी मर जाएगा तो उसने बोला गुड बाय लेकिन मंकी जो था वो स्केर्ड हुआ मतलब वो बहुत डर गया लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट था द मंकी वो स्केर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड मंकी एकदम डर गया स्केर्ड मतलब वो बहुत डर गया और डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम एंजाइटी और पेन मतलब आप बहुत घबरा जाते हो आपको बहुत दुख भी होता है अब यह दुख तो होगा आपके फ्रेंड आपको बिट्रे किया है आपको धोखा दिया है आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है और आप परेशान भी हो जाओगे कि कोई आपको बोल रहा है आप पानी के बीच में हो यू के नॉट जंप यू के नॉट रन और कोई आपको बोल रहा है बेटा अब तो मैं तुम्हें तो खाने वाला हूँ तो ऑब्वियसली डर लगेगा बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज लेकिन जितने भी मंकीज होते हैं दे आर वेरी क्लेवर एंड दे आर वेरी सेंसिबल सेंसिबल का मतलब क्या होता है लाइक प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक मतलब वो बहुत ही समझ के सोच के कोई भी काम करते हैं ही केप्ट अ कूल हेड तो उन्होंने क्या किया वो जो मंकी था उसने अपने दिमाग को शांत रखा

ट्री लेट्स ने बोला नहीं नहीं बिल्कुल मेरे पास मेरा हार्ट नहीं है मेरा जो दिल है ना वो तो पेड़ पर पे रखा हुआ है तो एक काम करो फटाक से वापस यू नो अबाउट टर्न करो हम वापस चलते हैं और मैं अपना हार्ट ला दूंगा

They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. अब मगरमच्छ को लगा अच्छा उसका दिल तो बाहर है। वो बड़ा खुश हो गया मतलब मंकी मरेगा भी नहीं और मेरी बीवी को उसका दिल भी खाने के लिए मिल जाएगा। Quickly उसने टर्न किया वापस पेड़ की तरफ निकल गए। On the river bank the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचे मंकी ने जो जंप लगाई और वापस गया वो पेड़ के ऊपर और वहां जाके उसने चैन की सांस ली, Heaved, a deep sigh of relief. Heaved मतलब होता है to let out. इस तरीके से He fruit or two from the nearest branch and ब्रांच एंड थ्रोइंगाउन साइड उसने क्या किया एक दो जो थे जो एकदम सबसे पास वाली ब्रांच से एक दो फ्रूट तो, तोड़े और उसने क्रोकोडाइल को दिया लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूटर देन माई हार्ट उसने बोला एक काम करो अपनी वाइफ को जाके ना ये फ्रूट से खिलाओ मेरे हार्ट की जगह फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी और क्या बोला उसने फ्रेश फ्रूट से होते हैं ना वो माइंड के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं गुड बाय फ्रेंड एंड इफ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन उसने बोला बाय मेरे दोस्त लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है द क्रोकोडाइल सैडअ एंड वाइज अब क्रोकोडाइल को अक्ल है कि भाई इंसान जो दिल होता है किसी भी का किसी भी जानवर का किसी भी इंसान का वो कहाँ होता है वो उसकी बॉडी के अंदर होता है किसी पेड़ पे तो लटका होता नहीं है तो उसको अभी अक्ल भी आ गई थी और वह बड़ा सैड भी था शेड अ फ्यू टर्स विच व जेन्यूइन अब शेड अ फ्यू फ्यूटीयर्स मतलब उसने कुछ आंसू बहाए दुखी हो गया था वो सो ही शेड अ फ्यू टर्स शेड का मतलब होता है गिदाना तो उसने कुछ आंसू गिराए और दे व जेन्युन जेन्युन का मतलब क्या होता है देवर रियल यू दैट दे आर क्रोकोडाइल टीयर्स इट्स एन इडियम इसका मतलब होता है वो तो झूठे आंसू बहा रहा है मतलब बिना मतलब के झूठा दुखी होने के लिए दिखा रहा है कि वो बड़ा दुखी है लेकिन देवर जेन्युन टीयर्स एंड टर्न बैक टू गो होम और वो वापस निकल गया घर जाने के लिए ही वॉज इन हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू अब वो जो था वो एकदम बहुत ही जल्दी में वापस जा रहा था क्योंकि अब उसको अपनी वाइफ को बताना भी तो पड़ेगा क्या हुआ क्या बताएगा वो अपनी वाइफ को कि तुम्हारे कारण ना सिर्फ मैंने आज एक फ्रेंड खोया बट इतने अमेजिंग फ्रूट्स में खाता था तुम्हारे लिए लेके आता था अब मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर ग्रीड जो तुम्हारा लालच था उसकी वजह से आज मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड जो है वो खो दिया सो मे बी ही वुड वॉन्ट टू से दिस लेकिन वाइफ क्या बोलेगी क्योंकि तुम में अकल नहीं है कि पेड़ पे कोई दिल धक्के आता है अपना और अब देखते हैं घर जाके उनके क्या होता है बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर स्टोरी बिकॉज आर स्टोरी हैज़ एंडेड ओवर हियर एंड वी आर डन सो हाउ वाज द स्टोरी द स्टोरी वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग राइट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एन सी ये देखने के लिए कि हमको कितने आंसर्स समझ में आए हैं कितने कितने चैप्टर हमें जो चैप्टर है वो कितने अच्छे से समझ में आए हैं अब ये जानना बड़ा जरूरी है तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स सो लेट्स सी कौन कितने पानी में है सो लेट्स बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट वट डिड ही मिस अब जो मंकी है वंकी था वो बड़ा खुश था मतलब उसको बहुत ही अमेजिंग एक फ्रूट ट्री था रिवर के अराउंड था लेकिन एक चीज थी जो वो मिस कर रहा था वो क्या था वो क्या मिस कर रहा था एक कंपेनियन को मिस कर रहा था क्योंकि वो वहां पे अकेला था तो अब हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री होम मंकी जो था वो बहुत आसानी से बहुत खुशी से वो अपने फ्रूट ट्री के होम में रह रहा था ही हैड प्लेंटी टू ईट उसके पास बहुत था खाने के लिए बट ही हैड नो कंपनी एंड ही फेल्ट लोनली लेकिन उसके पास कोई कंपनी नहीं थी और वो बहुत अकेला फील करता था कंपनी का मतलब है यहाँ पे फ्रेंड उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था <coughs> जिससे वो बात कर सके जिससे वो अपनी चीज़ें डिस्कस कर सके और वो बहुत लोनली फील करता था ही नीडेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड also टू शेयर हिज फ्रूट्स अब वो क्या चाहता था वो एक कंपेनियन चाहता था एक दोस्त चाहता था जिससे वो बात कर सके और जिसके साथ वो अपने फ्रूट्स शेयर कर सके ओके okay, आगे बढ़े वॉट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट अब ये जो दो फ्रेंड्स थे किसके बारे में बात करते थे बोर्ड्स के बारे में बात करते थे एनिमल्स के बारे में बात करते थे एंड विलेजेस तो जो थे उनको कैसे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर लैक ऑफ रेन उनको क्रॉप ग्रो करना कितना मुश्किल हो रहा था ये सब भी डिस्कस करते पॉलिटिकल अफेयर्स भी डिस्कस करते थे वो लोग सोशल अफेयर्स भी डिस्कस करते थे तो हम यहाँ पे अपना आंसर देख लेते हैं द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम फास्ट फ्रेंड्स वो लोग बहुत अमेजिंग फ्रेंड्स बन गए थे दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स पहला पॉइंट क्या हो गया कि वो जो थे वो बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बात करते थे दे ऑल्सो डिस्कस्ड द डिफिकल्टीज ऑफ द फार्मर्स वेन द रेन फील्ड वो फार्मर्स की डिफिकल्टीज को भी डिस्कस करते थे जब रेन फेल हो जाती थी मतलब वेन दे वॉज नो रेन्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोकोडाइल्स वाइफ her husband one वन डे जब क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी उसको एक दिन इतनी जोर से गुस्सा क्यों आया, आया था क्यों आया था क्योंकि क्रोकोडाइल जो था मंकी के साथ जो है वो दूसरों की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था बर्ड डिस्कस कर रहा था एनिमल्स डिस्कस करा था, था, था फ्रूट्स खा रहा था और जो हमारी वाइफ क्रोकोडाइल है वो अपने बच्चों के साथ परेशान हो रही थी क्रोकोडाइल ओवर स्टेड विद द मंकी ओवर स्टेड मतलब वो ज्यादा देर के लिए रुक गया था ओवर स्टेड ज्यादा देर के लिए स्टे कर दिया था उसने. His wife had to manage द लिटिल crocodiles अलोन अब जो बेबी क्रोकोडाइल्स थे उसकी वाइफ को अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा था मतलब संभालना पड़ रहा था सो so शी annoyed with विद इसीलिए उसका दिमाग खराब हो गया था ओके वेरी इजी आंसर आगे बढ़ते हैं वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इनवाइट हिस्स होम अब जो क्रोकोडाइल था वो क्यों नहीं चाहता था कि जो उसका जो फ्रेंड है मंकी है उसको घर क्यों नहीं बुलाना चाहता था क्यों नहीं बुलाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ जो थी उसको खाना चाहती थी उसको फ्रूट्स नहीं खाने थे उसको पूरा का पूरा मंकी खाना था राइट right? और वो अपने फ्रेंड को बिट्रे नहीं करना चाहता था बिकॉज वो उसका बेस्ट फ्रेंड था तो अब हम यहाँ पे इस आंसर को देख लेते हैं The crocodile's wife wanted to eat the heart of the monkey. So kids क्या चाहती थी crocodile की wife? Crocodile की wife wanted to eat the heart of the monkey. The crocodile refused to oblige her. और क्रोकोडाइल ने उससे मना कर दिया. Oblige का मतलब होता है किसी की बात मानना. तो उसने मना कर दिया उसके उसकी बात मानने को. He was unwilling to invite him. वो नहीं चाहता था उसको इनवाइट करना. As he did not want to betray his friend. वो नहीं चाहता था कि वो अपने फ्रेंड को बीट्रे करे तो हम इसमें कैसे आंसर लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे कि क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी शी वॉन्टेड टू द हार्ट ऑफ मंकी सेकेंड क्रोकोडाइल ने उसकी बात नहीं मानी ही डिड नॉट वॉन्ट टू ऑबलाइज हर क्यों बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू बीट्रे हिज फ्रेंड अ वेरी सिंपल आंसर ठीक है आगे बढ़े हम

सो द मंकी वाज sad and terrified मंकी पहले तो sad था और terrified terrified मतलब बहुत ही परेशान बट ही वाज clever enough to make a plan to save his life लेकिन वो इतना clever था कि अपनी लाइफ को सेव करने के लिए वो इजीली एक प्लान बना सकता था और उसने बनाया He said that he would gladly give away his heart to his friend's wife उसने क्या बोला gladly मतलब happily वो अपना जो heart है अपने friend की wife को दे देगा But अनफॉर्चुनेटली ही मतलब अरे बड़े ही बुरा उसने? उसने जो अपना हार्ट है वो पेड़ पे छोड़ आया है वो सो द स्टूपिट क्रोकोडाइल स्वैम बैक टू द ट्री टू कलेक्ट द हार्ट और जो स्टूपिड क्रोकोडाइल है वो वापस तैरा और उसने बोला अच्छा अच्छा तुम्हारा पेड़ पे हार्ट है चलो लेके आते हैं और वो वापस गया द मंकी जम्प डॉन टू द ट्री एंड दस सेव हिमसेल्फ और जब वो वापस गए तो मंकी ने अपने आप को बचाया कैसे जम्प किया वापस ट्री पे गया उसके बाद बोला थैंक यू टाटा बाय बाय राइट सो इस आंसर को हम एक बार और रीट करते हैं आंसर की लेंथ पे मत जाना हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे द मंकी वो सैड एंड टेरिफाइड यह हमारा पहला पॉइंट हो गया कि वो बड़ा दुखी था

और मंकी ने पेड़ पे जंप किया और अपने आप को बचा लिया ये हो गया हमारा सिक्स पॉइंट तो इसको अपने आप अप, अपने वर्ड्स में भी आंसर आप लिख के आ सकते हो हम आगे बढ़ते हैं वॉट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट वॉट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ अब ये जो पूरी स्टोरी का जो लास्ट सेंटेंस था कि अब अच्छा हाँ वो क्रोकोडाइल को बहुत जल्दी थी वापस जाने की ही वॉन्टेड टू टेल हिज वाइफ अ थिंग टू तो वो क्या बताना चाहता था द क्रोकोडाइल वॉज सैडर एंड वाइजर क्रोकोडाइल बहुत दुखी हो गया था लेकिन उसमें बहुत सारा ज्ञान भी उसे मिला था ही वुड हैोल्ड हिज वाइफ वो अपनी वाइफ को क्या बताता घर जाके जो भी सब हुआ है ऑल दैट दैट ऑल एवरीथिंग दैट जितना भी जो भी हुआ पूरी जो स्टोरी थी वो बताता अपनी वाइफ को एंड हाउ शी ब्रोक अ ग्रेट फ्रेंडशिप और कैसे उसने एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप को तोड़ दिया बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ग्रीड उसकी इनसिक्योरिटी की वजह से और उसकी ग्रीड मतलब लालच की वजह से उसने कैसे एक बहुत अच्छी friendship को तोड़ दिया ये वो घर जाके बताता अपनी आंसर को, right? so, को भी हम एक बार और देखेंगे जो क्रोकोडाइल था जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया तो ही वॉज सैड बट ही वॉज वाइज सो ही वुड मतलब वो क्या बताता दैट अबाउट ऑल दैट हैपेंड अबाउट ऑल दैट है जो जो पूरा हुआ एंड हाउ ही शी ब्रोक अ ग्रेट फ्रेंडशिप एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप को उसने तोड़ दिया बिकॉज ऑफ हर इनसिक्योरिटी एंड ग्रीड अपनी इनसिक्योरिटी और ग्रीड के लिए कैसे उसने एक अच्छी सी फ्रेंडशिप को तोड़ दिया हु केम इन सर्च और फूड खाना ढूंढने के लिए कौन आया था Who was it? Crocodile, monkey, king, या none of these? बहुत इजी आंसर है. The answer is crocodile. उसको खाना ढूंढने के लिए आया था वो. Who lived on the fruit tree? Fruit tree पे कौन रहता था? Crocodile, crocodile की wife, monkey या सब के सब? Answer is monkey. Why did the monkey want a companion? Monkey को companion क्यों चाहिए था? To share fruits, to talk, both they can be, or none of these. उसको फ्रूट्स शेयर करने के लिए चाहिए था बातें करने के लिए चाहिए था किस चीज़ के लिए चाहिए था उसको दोनों के लिए चाहिए था ही वॉन्टेड टू शेयर फ्रूट्स और वो एक कंपेनियन चाहता था जिससे वो बात कर सके सो आंसर इज बोथ ए एंड बी द क्रोकोडाइल शेड ऑन लूजिंग हिज फ्रेंड जब उसका जो फ्रेंड था अपनी उसकी वाइफ की एक स्टूपिडिटी की वजह से जब उसका फ्रेंड उससे बिछड़ गया मतलब यू नो दे गॉट डिपार्टेड तब उसने कैसे टीयर्स शेड किए मैनी टीयर्स रियल टीयर्स रियल फ्रेंड एक सच्चे मित्र को एक सच्चे दोस्त को धोखा देना अच्छी बात है सेटिसफाइंग है कि मजा वाह क्या अच्छा काम किया है फन है बड़ा मजा आता है या एक पाप है इज अन् का मतलब होता है पाप तो एक जो सच्चा दोस्त होता है उसको कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए इट्स अस सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपेयर ऑन द रिवर साइड रिवर साइड पे कौन आया ए कैमल क्रोकोडाइल मोंगूस और अ डॉग तो जब मॉन्की जो है पेड़ पे बैठा था तब उसने किसको देखा एक क्रोकोडाइल को देखा हु वॉन्टेड टू ईट द हार्ट ऑफ द मॉन्की मॉन्की का दिल किसको खाना था क्रोकोडाइल की वाइफ को क्रोकोडाइल के बेटे को मॉकी की वाइफ को या ऑल ऑफ दीज द आंसर इज क्रोकोडाइल की वाइफ को खाना था बेस्ट फ्रेंड्स तो जब वो रोज मिलने लग गए तो वो कौन दो लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थेजर कौन जो है एकदम शॉक हो गया था और समझ आ गया था उसको कि अब उसकी जिंदगी खतरे में है किसके साथ हुआ था ये क्रोकोडाइल की वाइफ मंकीज वाइफ द मकी और मंकीज फैमिली किसके साथ हुआ था ये मंकी के साथ मंकी को लगा ओ अब तो मेरी जिंदगी खतरे में है वट इज द मीनिंग ऑफ प्लक प्लक करना क्या होता है प्लक करने का मतलब होता है टू टेक टू कोट करेज या रिमूव द आंसर इज रिमूव जैसे आपके पास एक फ्लावर है तो आपने उसकी एक लीफ को एक पेटल को प्लक किया रिमूव किया ओके नेक्स्ट इज वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम क्रोकोडाइल जो था क्यों नहीं चाहता था अपने फ्रेंड को घर बुलाना बिकॉज ही वॉन्टेड इज आईज फॉर हिज वाइफ क्योंकि वो अपनी वाइफ के लिए उसकी आंखें चाहता था बिकॉज ही वॉन्टेज हिज हैंड्स फॉर हिज वाइफ वो चाहता था उसकी वाइफ के लिए उसके हैंड्स लेने के लिए या उसका लिवर लेने के लिए और द लास्ट ऑप्शन इज बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू किल हिम टू गिव हिज हार्ट टू हिज वाइफ वो अपने घर इसलिए नहीं बुलाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ उसे किल करना चाहती थी मंकी को तो वो नहीं चाहता था कि उसका जो दोस्त है वो मर जाए एंड दैट इज वाई ही डिड नॉट वॉन्ट टू कॉल हिम होम सो आंसर हो जाएगा इसका डी हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ अब मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया बाई शोइंग फुलस अपनी यू you नो know, मूर्खता दिखा के by showing the intelligence, अपनी बुद्धिमता दिखा के, माइंड अपने दिमाग का परिचय देते हुए या all of these, the answer is, अपने अपने को को दिखा के के उसने आप बचा लिया। ऊपर कहां से उसने किया ऑन द the रिवर बैंक ऑन द सी ऑन द ट्री ऑल ऑफ आंसर इज ऑन द रिवर बैंक जैसे क्रोकोडाइल रिवर बैंक तक आया उसने वहां से जम्प किया उ डिड क्रोकोडाइल रिप्लाई टू मॉन्की क्रोकोडाइल ने रिप्लाई कैसे किया मॉन्की को एंग्री पोलाइटली या सॉफ्टली तो क्रोकोडाइल ने बहुत ही politely बात की थी एंगर नहीं दिखाया था लाइन आई डेंट कमर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ मैं यहाँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए खाना ढूंढने आया हूँ ये किसने कहा था ये कहा था मोंकी क्रोकोडाइल और टाइगर द आंसर इज क्रोकोडाइल वॉट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी सो मकी ने कहा था माइंड और बॉडी के लिए क्या अच्छे होते हैं रॉटन फ्रूट मतलब सड़े हुए फ्रूट्स मतलब एकदम खराब हो चुके वाले फ्रूट फ्रेश फ्रूट मतलब ताजे फल या फ्रेश हार्ट ताजा दिल सो वॉट इज गुड फॉर माइंड एंड सोल द आंसर इज फ्रेश फ्रूट हुई कौन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था मंकी क्रोकोडाइल मंकी का बेटा और नन ऑफ दीज द

द मंकी वॉज़ फॉर्चुनेट टू फाइंड मंकी क्यों फॉर्चुनेट था वॉट वॉज वाई वॉज ही फॉर्चुनेट उसकी किस्मत अच्छी क्यों थी क्योंकि मंकी के पास मंकी मतलब वो बहुत खुशकिस्मत था क्योंकि उसे एक कंपेनियन मिला क्योंकि उसको एक कंपेनियन मिला क्रोकोडाइल की वाइफ में या क्रोकोडाइल के बच्चे में या क्रोकोडाइल में क्योंकि उसको एक साथ ही मिला था इन द नेम ऑफ क्रोकोडाइल दी क्रोकोडाइलोडाइल क्रोकोडाइल की वाइफ बहुत गुस्सा थी क्यों क्योंकि क्रोकोडाइल डूब रहा था या वो मस्त रिवर में इंजॉय रहा था नहाते हुए या काफी लेट हो गया था या वो अपने बच्चों का ख्याल रख रहा था आंसर इज ही वॉज हेल्ड अप लॉन्गर देन यूजल नेक्स्ट क्वेश्चन है दी क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंग टू इनवाइट होम क्रोकोडाइल किसको घर नहीं बुलाना चाहता था बर्ड्स और एनिमल्स को विजेस नियर बाई मंकी को या मंकीस को ही डिड नॉट वॉन्ट टू कॉल हिज फ्रेंड हु वॉज मंकी वॉट डिड द मंकी एंड द क्रोकोडाइल टॉक अबाउट वेन दे बिकेम वेन दे बिकेम फ्रेंड्स तो मंकी और क्रोकोडाइल क्या बातें किया करते थे जब वो फ्रेंड्स बन गए थे सो वो विलेजर्स की डिफिकल्टीज के बारे में बात करते थे बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बात करते थे जो आसपास जो विलेजर्स रहते थे उस बारे में बात करते थे या ऑल दीज अबव basically they used to talk about everything so answer is all of these who did not like the friendship of monkey with crocodile so crocodile aur monkey ki friendship kisko pasand nahi aa rahi thi ek dusre monkey ko crocodile ki wife ko ya tiger ko what will be the answer crocodile ki wife ko the wife was greedy अब जो ये wife थी वो बहुत लालची थी greedy थी क्यों she wished to eat everything थिंग उसको सब कुछ खाना होता था उसको पैसे चाहिए थे शी डिमांडेड स्वीट फ्रूट्स उसको अच्छे मीठे मीठे फल चाहिए थे शी डिमांडेड टू ईट मंकीज हार्ट क्योंकि अब उसने ये सोचा जो इतने मीठे मीठे फल खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा सो नाउ शी डिमांडेड फॉर मंकीज हार्ट सो द आंसर इज डी हु एंड डिस्पेंस्ड कौन बहुत ज्यादा परेशान था क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल की वाइफ या मंकी ऑफकोर्स दी आंसर इज मंकी क्योंकि मंकी था ना जिसको लोग खाने वाले थे ट वॉज द नेचर ऑफ मंकी मंकी का नेचर कैसा था इनसे एकदम दिमाग से पैदल था, sensible था, और, clever था, और, is, था और क्लेवर था या था ऑन रीचिंग मिड स्ट्रीम द क्रोकोडाइल अनाउंस जब वो आधे रास्ते पहुंच गए तो क्रोकोडाइल ने क्या अनाउंस किया दैट अब मैं तुम्हें मार डालूंगा आई विल रोल माई सेल्फ इन द रिवर अब मैं अपने आपको रिवर में पलटा दूंगा टेक केयर यू विल बी ड्राउंड अपना ख्याल रखना क्योंकि अब तुम डूबने वाले हो आई विल नॉट गो एनी फर्दर अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा दई विल किल यू नाउ अब मैं तुम्हें मार दूंगा वॉट डिट द वाइफ ऑफ द क्रोकोडाइल वॉन्ट क्रोकोडाइल की वाइफ को क्या चाहिए था फ्रूट्स चाहिए थे हार्ट ऑफ द मांग की इट इज इट इज शुड बी हार्ट ऑफ द मांग की फिश या लिवर ऑफ़ द मंग की उन्हें चाहिए था बंदर का दिल हार्ट ऑफ द मांग की ओके

क्यों बिकॉज ही टोल्ड मंकी हिज सीक्रेट क्योंकि उसने मंकी को अपना सीक्रेट बता दिया ही कैरेट द मंकी टू द रिवर बैंक क्योंकि वो मंकी को वापस रिवर बैंक तक लेके गया ही carried द मंकी ऑन his back उसने मंकी को अपने बैक पे कैरी किया ही डिड नॉट कैरी द मंकी back या yeah, वो मंकी को वापस लेके नहीं गया the answer इज ही told मंकी his सीक्रेट उसको बताना ही नहीं चाहिए था तो मंकी भागता ही नहीं सो दैट इज why ही इज considered एज फुलिश स्विमर अब कौन स्विमर नहीं था क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल की वाइफ या मंकी क्रोकोडाइल तो होते हैं करेंट ऑफ द रिवर वॉज द स्ट्रांगेस्ट तो कहाँ पे पानी का भाव करेंट ऑफ द रिवर मतलब पानी का भाव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इन द बैंक ऑफ द रिवर मिडल ऑफ द रिवर या एन बी आंसर इज मिडिल ऑफ द रिवर द फ्रेज डाई डीप साई थैंक गॉड

मैं जानता हूं कि अपने दोस्त को धोखा देना एक बहुत बड़ा पाप है लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है ये किसने किससे कहा क्रोकोडाइल ने खुद से कहा क्रोकोडाइल मंकी ने अपने आप से कहा या क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा दी आंसर इज ये क्रोकोडाइल ने खुद से कहा था जब उसकी वाइफ ने उसे प्रेशराइज किया हाउ डिड द क्रोकोडाइल कन्विंस द मंकी टू कम अलॉन्ग विथ हेम क्रोकोडाइल ने मंकी से क्या कहा कि वो कन्विंस हो गया और वो उसके साथ आया उसने बोला कि हिज़ वाइफ वॉन्ट्स टू सी हेम मतलब वो उसकी वाइफ उससे मिलना चाहती है ही सर हिज वाइफ वॉन्ट हिम टू कम ओवर फॉर अ मील उसने कहा कि उसकी जो वाइफ है वो उसको खाने पर न्यौता दे रही है बोथ ए एंड बी वॉट इज़ द आंसर उसने ये कहा था कि उसकी जो वाइफ है वो उसको खाने पर न्यौता दे रही है

So, thank you so much once again. Do not forget to like, share, and subscribe. I'll see you soon in my next video. Bye.